चीज जो मुझे बताना है, एंड नॉट फॉर यूपीएससी जीपीएससी, फॉर द एंटायर लाइफ, कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूँ, मेरे पास मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस हैं। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ। अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द फिफ्थ स्टैंडर्ड बुक, और फिफ्थ स्टैंडर्ड बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है, देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ। स्टार्ट विद द फाइव स्टैंडर्ड बुक, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी तीन चार बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो। उनको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर वहां भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट स्पीकिंग। मैं 11 12 में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन, मतलब जहां पे भी कोई भी बात करूंगा, मैं वहां पे वो डायलॉग ही सुनूंगा। दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। अगर आज हिस्ट्री में से या एनसीईआरटी से 5 ऐसी चीजें आपने नहीं सीखी है, ट्राई टू थिंक अपॉन दैट, ट्राई टू पॉन्डर ओवर दैट। ये मराठा साम्राज्य वाली जो नोट्स दी थी, ट्राई टू मेक द समरी आउट ऑफ, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर टिकना है तो क्या क्या जरूरी है, किसी एम्पायर को अगर बनना है तो क्या क्या जरूरी है, कहां पे उन्होंने मिस्टेक की। तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज, ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब।